We'll start with, we studied last time Fresnel's diffraction. Fresnel's, we reached a point, जिसको हम कहते हैं Fresnel's half period zones तक हम पहुंचे थे. So before coming to Fresnel's half period zones, थोड़ा सा मैं आपको इसको, I'll just rehash थोड़ा सा. ये last time हमने क्या किया था, हमने किया था कुछ नहीं किया था. We did कि अगर incoming light आती है, we have a finite distance from the source and the स्क्रीन. सो व्हाट हैपेंस, क्या जो हमारे पास जो लाइट इंटेंसिटी, अगर ऐसे हम करेंगे, सो विल हैव जो ऐसे हमने कहा था, ऐसे तो जो, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे, अगर इसी चीज फिगर को हम लार्जर लेवल पे लेंगे तो हमारे इसी को कहते थे हम फ्रेसनेल्स हाफ पीरियड जोन्स. तो अगर हमारे पास यहाँ से सो इनकमिंग लाइट आती है, द प्राइमरी वेवलेट्स एंड द सेकेंडरी वेवलेट्स दे इंटरफियर, एंड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस तो हाउ दे विल प्रोड्यूस, जो जिस तरह आपने वो फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, सेकेंड कंसेक्यूटिव ब्राइट मैक्सिमा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी डिड इट इन केस ऑफ फॉर्नहोफर डिफ्रैक्शंस, वी आर डूइंग द सेम हियर इन द फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन. अब इसमें सिर्फ फर्क है कि the light, the source is not at an infinite distance, the source is at a finite distance. And you could see ki jo hamare paas screen pe pattern aa raha tha, jis tarah hamare paas dark fringes, bright fringes aata tha, isi tarah hamare paas first ye aa raha tha, first dark zone, fir isme jagah hai, fir second, fir third, consecutively jo hamare paas aa raha tha. So agar hamare paas agar koi incoming wave front hai, uska distance from the screen is this, and it's at a certain जो हमारा, जिस तरह हम कर रहे थे ना, इसका जो width है ना, ये इसका जो phase path difference है, it's b plus n lambda by 2. तो हमारे पास n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 consecutively हमारे पास different जो भी zone plates हैं बनेंगी. And we also had derived a formula जो pi of, जो अगर जो कंसेक्यूटिव जोन जोन प्लेट्स हैं, इनका एरिया जो आ रहा है, जो हमने किया था पाई आर एन प्लस वन स्क्वायर माइनस पाई आर एन स्क्वायर. सो अगर इसका एरिया एन प्लस वन है, इसका एरिया एन स्क्वायर है, तो इट विल कम आउट टू बी लाइक समथिंग कॉल्ड पाई बी लैम्डा, वेयर बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू दिस जोन प्लेट. So this is the general theory. अब हमारे पास ये है कि for example एक पार्ट डिफरेंस के लिए lambda by 2 है, फिर lambda आएगा, फिर 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2, जिस तरह आप यंग्स डबल स्लिट में करते हैं, या यू डिड इट इन केस ऑफ फोर नंबर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, सेकेंड ब्राइट मैक्सिमा, वहां करते थे आप डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, लाइट स्पॉट. सो जो इट डिपेंड अपॉन जो आपका यो फेज डिफरेंस जो है ना, वेवलेंथ शुड बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ और हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, वो स्क्रीन पर उसका कैसा आता है, हाउ उसका स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारा कैसे आता है, दैट कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एंड हाफ. सो जो टोटल इंटेंसिटी है ऑन ए स्क्रीन जो आएगा, विच इज ड्यू टू दीज हाफ पीरियड जोन्स भी हमको कहते हैं जोन प्लेट. तो फर्स्ट पीरियड जोन, सेकेंड, तो ये है, दिस इज द एरिया बिटवीन टू जोन्स, दिस इज द एरिया बिटवीन इस जोन और इसके दरमियान क्या है, दिस एंड इसके दरमियान क्या है, एंड कंसेक्यूटिव जोन के दरमियान क्या है. सो जो टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आएगी बिटवीन टू जोन, टू ऑल द प्लेट्स, जो हमने कहा था, इट विल कम आउट टू बी यू पी विल बी इक्वल टू यू वन, बट जो कंसेक्यूटिव जोन होगा, अगर ऑड मल्टीपल होगा, दैट विल बी माइनस यू थ्री, इसी तरह यू टू, फिर तीसरा आएगा प्लस, चौथा आएगा माइनस, ठीक है, सॉरी यू फोर, इसी तरह यू फाइव, so on and so forth. So we have to find the net intensity distribution, क्या आएगा हमारे पास for these all these जो हमारे पास individual first के लिए क्या आएगा, second के लिए आएगा, third. Now the problem becomes as if you have to sum the series. Sum, जिस तरह आप real analysis में है ना, आप कोई भी series है, मतलब odd integers की series है, even integers की series है,
ठीक है, यू हैव ऑसिलेटिंग नंबर्स, तो वी हैव अ प्रोसीजर ऑफ समिंग अ गिवन सीरीज इन रियल एनालिसिस इन द सेम मैनर. यहां पर भी हमारे पास ये है कि वी आर गोइंग टू सम द सीरीज, सम द सीरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस. इफ यू इंक्रीज द जो डिफरेंट एन का डिफरेंट वैल्यूज है विच विल गिव इधर ब्राइट और लाइट स्पॉट्स इन दीज थिंग, इनको हम कैसे सम करेंगे. सो द प्रॉब्लम हेयर बिकम्स ऑफ समिंग द सीरीज. बिफोर वी आर गोइंग टू सम द सीरीज, हमने एक और फैक्टर यहाँ लाया था. मान लो हम दो चीजें हम यहां सिर्फ याद रखेंगे कि जो अल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस जो है रिप्रेजेंट दैट द फैक्ट तक कि द produced by represent that two consecutive zones or pi out of phase with respect to each other. Those zones hai, they are pi out of the phase with regard to each other. And jo iska amplitude hai, amplitude kisi bhi wave ka hai, It is proportional to the area of the zone. कितना amplitude area of the zone कितना है, first zone, second zone, third zone. जितना ज्यादा zone बड़ा होगा उतना ज्यादा इसका amplitude है, इसका wavefront का amplitude है ना, normal maximum कहाँ तक wave का कोई भी wavefront जा सकता है. So from this distance यहाँ first zone, दूसरे जोन का इससे बड़ा होगा. यू हैव टू सी दे आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स विच यू कैन, अगर उसको आप देखेंगे दे मेक द कंसेंट्रिक एरिया प्लेन्स जो उस पर हम तो ये तो टू डायमेंशनल फिगर है, हम प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ऐसे आएंगे ऐसे वेव फ्रंट को हम स्क्रीन पे विल ट्राई टू ऑब्जर्व इट. तो द अदर फैक्टर इज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ओब्लिक्यूटी. Obliquity means जिस तरह मैंने पिछली बार कहा था sort of its dependence on angle. जैसे ये है ना, ये जो पूरा वेव फ्रंट है ये एट ए डिस्टेंस किस एंगल पे है, और अगर पूरा एंगल ऐसे करेंगे हम टेढ़ मोड़ तिरछा करेंगे या विल जस्ट मेक इट थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल करेंगे या हॉरिजॉन्टल, इसका जो कॉस एंगल कैसा बनेगा उस पर भी डिपेंडेंट होगा. एंड दैट इज गिवन बाई 1/2 प्लस कॉस ऑफ काई. ठीक है, अब 1 and 1/2 क्यों है, हम कॉस का ही लेंगे, तो ये चलो ये फैक्टर है कॉन्स्टेंट, हम कैसे यूज इट. सो जो नेट एरिया हमारे पास आएगा, सो नेट फॉर्मूला जो हमारे पास आएगी, जो एम्पलीट्यूड है फॉर डिफरेंट दीज वेव जोन्स, इट विल बी कॉन्स्टेंट, इट विल बी एरिया एन, एरिया ऑफ द जोन प्लेट इस पर डिपेंड करेगा, एंड QNP आप मान लो, आप अगर ये है Q, ये QN plus 1 है, इसका QN है, इसका QN minus 1 है, so यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है QNP, यहां से अगर ये लेंगे और ये P लेंगे तो यहां से यहां तक वेक्टर, अगर QNP तो ये इंटेंसिटी है ना, अगर ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे इंटेंसिटी कम होगा, ये डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ज्यादा होगा. सो इसका इनवर्स रिलेशन है आपस में. एंड हमारे पास जो ओब्लिक्विटी फैक्टर है, एंड मॉडुलो द फैक्ट जो हमको करेंगे, जो अब इट्स नेचुरली, तो अगर हम जो पहला वाला का इंटेंसिटी होगा U1 फर्स्ट जोन प्लेट, इट विल बी मोर देन U2 बिकॉज डिस्टेंस है ना कम, दूसरे को ये थोड़ा सा एन लैम्डा बाई टू डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, तीसरे को लैम्डा करेगा इस, सो जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस वो ज्यादा होगा. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी जो इंटेंसिटी है, इट विल फॉलो फर्स्ट जोन प्लेट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम, उससे ज्यादा होगी तीसरे की, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब हमारे लिए मसला पड़ता है कि हाउ वी आर गोइंग टू सम द सीरीज. दिस इज आवर नेक्स्ट सीरीज. तो यहां तक तो ठीक है ना, व्हाट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट, आई हैव डन नथिंग. मैंने वो थोड़ा रिहैश किया है, सिर्फ ये कहा कि
दिस विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी एक ओब्लिक्विटी फैक्टर पे एंड इट विल डिपेंड अपॉन जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक क्या है यहां से यहां तक क्या है एंड फॉर कंसेक्यूटिव दिस डिस्टेंस सो इसकी इनवर्स डिपेंडेंस होगी इंटेंसिटी पे तो यहां तक ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी जो फर्स्ट जोन ये है फर्स्ट इंटेंसिटी यू वन फॉर दिस दूसरे के लिए तीसरे के लिए फॉर ऑल द कंसेक्यूटिव जो पावर डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 4 लैम्डा बाय 2 या एन पाई. अगर हमारे पास डार्क स्पॉट आएगा इस तरह हमारे वहां यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है वहां इफ इट्स एन ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स और इट्स एन इवन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट विल गिव यू ब्राइट और डार्क स्पॉट. उसी तरह हम वहां फ्रिंज वर्ड भी निकालते थे. इसी तरह अब यहां वहां वो ये चीज नहीं यहां सिर्फ यहां जोन्स हैं जोन्स है हाफ पीरियड जोन्स है फ्रॉम हाइगन्स फ्रेंसनल वेवलेट थ्योरी primary and secondary wavelets interfere in a manner which will produce diffraction pattern of the screen and that diffraction pattern is given by how ye jo interference hoga hoga in terms of half 1/2 or pi angles ke sath kaise iska hoga for consecutive these things. So this is I have summarized it. तो अब इसमें जो है जो प्रोसीजर है इसका इफ यू सी इन द बुक्स देयर हाउ दे आर गोइंग टू सम द सीरीज जो सम सीरीज की है देयर इज अ प्रोसीजर गिवन बाय अ मेथड उसका नाम है साइंटिस्ट का नाम है हिज नेम इज इट्स अ मेथड प्रोसीजर. अब उसको सम को कैसे जिस तरह आप रियल एनालिसिस में करते हैं किसी भी सम सीरीज को कैसे करते हैं एंड इसमें यह है कि आप समटाइम्स विल टेक UN को और कंसेक्यूटिव वे जो होगा जो जो ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ है U3 U5 U7 उनको आप N+1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इवन को करेंगे UN के साथ या 2N के साथ ऑड को करेंगे N+1 या 2N+1 इवन को करेंगे N के साथ. ठीक है तो यू हैव टू सम बेसिकली ऑड और इवन जो है ना वैल्यूज ऑफ N which will correspond to the different values of the wavelength will be integral number of lambda or half integral number of lambda which will give us a different these half period zones hamare paas jo bhi honge. theek hai kuch samajh aa raha hai na what I am trying to say. hello ha hello ha so I kuch aa raha hai you are Asif ha चलो कोई बात नहीं मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है यू जस्ट जो भी मैं कह रहा हूँ यू जस्ट ट्राई टू उसको थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश करो एंड यू कैन देन गो टू द बुक एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है सब चीजें एक ही शब्द बार इट्स नॉट नेसेसरी यू विल लर्न एवरीथिंग इन अ सिंगल गो एटलीस्ट यू विल हियर सम टर्म्स है ना वो दिमाग में रहता है ना ये मैंने सुना ये सुना इसको वेव फ्रंट कहते हैं इसको प्राइमरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट उनका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होता है डिफ्रैक्शन जो पैटर्न स्क्रीन पे होता है ये इन टर्म्स ऑफ हाफ जोन प्लेट थ्योरी है तो कंसेक्यूटिव जोन्स का डिफरेंस वो एरिया देता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन सेकंड हाफ पीरियड जोन थर्ड हाफ पीरियड जोन विल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट इंटेंसिटी पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन एंड एट द एंड वो हैव टू सी कि नेट इंटेंसिटी कैसे स्क्रीन पे आती है जिस तरह हम वहां फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा सेकंड ब्राइट मैक्सिमा थर्ड ब्राइट मैक्सिमा इसी तरह वही चीज हम यहाँ भी प्रोसीजर को करेंगे. तो अगर इट्स नॉट नेसेसरी जरूरी सब कुछ थोड़ा बहुत आप जस्ट ट्राई टू ये इसके साथ आप कंटिन्यूटी मेंटेन करो एंड यू विल थिंग्स विल बिकम इजीयर लेटर. तो अब ये है कि विद द फैक्टर जो मैंने कहा U1 इज ग्रेटर देन U2 इज ग्रेटर देन U3 मतलब कंटिन्यूसली फर्स्ट हाफ पीरियड जोन विल बी मोर ब्राइट मैक्सिमा सेकेंड विल बी लेस ब्राइट थर्ड विल बी लेस ब्राइट. तो सो इसमें यह है कि वी आर यूजिंग सम approximation so you can go there is a book by Gartak or there may be other books so you can see series ko hum kaise sum karenge. to ab isme approximation hai once we sum the series so U1 agar hum isko ek approximation rakhenge aise karenge U2 by 2 minus UM minus 1 by 2 plus UM to you have for odd when M is odd agar odd ke liye lenge na U1 U2 माइनस यू एम माइनस वन मतलब इसको 3 का वैल्यू लेंगे तो 4 का माइनस वन हो गया 3 5 माइनस वन हो गया 4
सेवन का लेंगे मतलब वी कैन टेक ऑड सीरीज. सो व्हेन एम इज ऑड, इज ऑड. इस तरह यू पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन यू वन माइनस यू टू, यू टू बाई टू माइनस यू एम बाई टू. सो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी, इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी so it will approximately come out to be u1 by 2 minus um by 2. अब इसमें ये सीरीज कैसे इसको ऐड करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करेंगे. अब फिलहाल याद रखो फॉर ऑड सीरीज इट मे कम आउट टू बी लाइक दिस, फॉर इवन सीरीज इट मे कम आउट टू बी लाइक दिस, फॉर व्हेन एम इज ऑड एंड व्हेन एम इज इवन. अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कम जो इसका ऑड सीरीज का हम लेते हैं फर्स्ट टर्म. सो इट देयर इज अ मेथड टू इट. चलो इफ यू इवन डोंट अंडरस्टैंड द मेथड, सो यू कैन से कि जो व्हेन वी सम द ऑड ऑड इसके जो ऑड कंपोनेंट्स हैं और उसके इवन कंपोनेंट्स हैं एंड वी आर नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स इन द एक्सपेंशन करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस, व्हेन एम इज ऑड एंड व्हेन एम इज इवन. सो इफ यू मेक फर्दर अप्रोक्सीमेशन टू दिस, सो इट विल कम आउट दैट वी कैन ऑल्सो राइट इट, दिस एक्सपेंशन can be written like this, up is equal to u1 by 2, this is the first approximation, plus, chalo ye, it will be better, u1 by 2 when m is odd. Hum ek kaam karenge, pehli wali term ko rakhte hain isko, u1 by 2, 2, chalo constant factor, isse farak nahi padta hai, to dusri jo higher order terms hai, odd terms, we represented by um. Or in the same way, when we have an even series, when it's odd, we can write it like by this. When m is even. है ना, यहाँ हमने जैसे माइनस रखा था ना इवन, इसलिए हम यहाँ जो ऑल जो m 2 4 6 इसको हम माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. जो ऑड फैक्टर्स है ना, दे आर प्लस. सो दीज आर हायर ऑर्डर टर्म्स, दीज आर हायर ऑर्डर टर्म्स, दिस एंड दिस. So if you somehow add the two terms, if you neglect this higher order terms and these higher order terms, jo net intensity aapko aayega, it will approximately come out to be kya aayega? It will be u1 by 2. Iska matlab hai jo pehla bright spot aayega ya bright maxima aayega, it will be half the thing of this first thing. It's a very interesting thing. So which means, अगर हम इसको try to write it in अंग्रेजी ज़बान में या वो try to write it in English, that resultant amplitude produced by the entire wave front is only one half of the amplitude produced by first half period zone. So its resultant amplitude produced by the entire wavefront is only one half of the amplitude produced by the first half period zones. If we neglect the higher order terms, jo hamare jo whether it's in even, isme jo even series hai, u is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5, jo iski और सीरीज अगर हम प्लस लेंगे और इवन सीरीज अगर माइनस लेंगे, तो इनको हम दो एक्सपेंशन अलग टर्म्स लेंगे
ऑड एक्सपेंशन एंड इवन एक्सपेंशन, एंड उनमें बोथ में हम हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे. इट इज एज इफ दिस फर्स्ट एजेक्ट, इट इज एज इफ दिस पी जो है इट विल बी एज इफ इट्स द entire wavefront is only one half of the amplitude produced by the first half period zone. अब यह है कि इसी experiment को अगर हम आप इसको हम अगर आप screen को भी ऐसे भी ले सकते हैं ना, अगर आप lab में लेंगे थोड़ा सा ये है, जैसे ये aperture है, aperture with radius r, and you are trying to see the this diffraction pattern on the screen. अब मसला ये है कि अगर आप यहां से रेडियस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जो इसका इंटेंसिटी पैटर्न है, तो यहां पर पी आएगा ना नॉर्मली, वहां पर हमने फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा सेकंड, तो यहां पर जो अब ये है कि डिपेंड करेंगे हम इस अपर्चर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द अपर्चर, जो हमारा इंटेंसिटी पैटर्न है यहां पे, वो हमारा वो थोड़ा ब्लर आएगा. जिस तरह आज आपका ये स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है, मे बी व्हाट फॉर व्हाट एवर कनेक्टिविटी रीजन, तो अगर लैब में आप करेंगे वहां से आएगा लाइट, इसको रेडियस को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो इट्स इफेक्ट वी कैन ऑब्जर्व इसका इंटेंसिटी पैटर्न कैसे आएगा स्क्रीन पे. तो फॉर अ पर्टिकुलर, सो इवन यू कैन कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल अगर रेडियस है आपका, फॉर एग्जांपल फॉर पर्टिकुलर, इफ यू रिमेम्बर फॉर पर्टिकुलर ये है हाफ पीरियड जोन है ये, और जो इसका कंसेक्यूटिव है रेडियस है उसका है एन प्लस वन. If you do approximation in a lab, for example, अगर हम b का value, b is what? b अगर यहाँ से यहाँ तक कर distance आप, to give a feel, हम lab में कैसे observe कर सकते हैं? अगर हम b का value लेंगे कितना? b का लेंगे 50 centimeters, wavelength का value लेंगे 5 × 10⁻⁴5 centimeters, तो अगर हम ये parameterization का ये value लेंगे, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाफ पीरियड ज़ोन्स होंगे उनका जो है ना, इट विल बी 0.05 mm, दूसरा होगा 0.70 mm, तीसरा होगा 0.86 mm. सो इफ यू हैव अ पर्टिकुलर जो यहां से यहां तक स्क्रीन से यहां तक डिस्टेंस b है, लैम्डा का वैल्यू ये है, ये तो रेडियस है 2r b लैम्डा, ये यहां से यहां तक का रेडियस, ये कंसेक्यूटिव रेडियस ये है, इनका डिफरेंस हमको वो एरिया देता है. तो सो यू कैन हैव फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा होगा यहाँ 5 mm, इतना होगा 5 mm पे होगा, दूसरा होगा 7. इतना, तीसरा होगा 8.6 mm पर. तो फर्स्ट इज नेचुरली ज्यादा बड़ा होगा इसका इंटेंसिटी पैटर्न, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो यू कैन डू वेरियस न्यूमेरिकल्स आप इसके बारे में कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड हाफ पीरियड जोन, इंटेंसिटी, इस तरह आप वहाँ करते हैं यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिज मिट देखते हैं आप, वेव लेंथ देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन एंड दिस देखते हैं, तो आप वो पैटर्न्स कैलकुलेट करते हैं. फ्रिज मिट समटाइम्स वेव लेंथ इज गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज गिवन समटाइम्स, सो इन द सेम वे यू कैन डू इट. अब सिर्फ यहाँ ये चीज फर्क है, यहाँ फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट मैक्सिमा, एंड अकॉर्डिंगली द डिफरेंट मैक्सिमाज विच वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्क्रीन, ये फर्क है. वहां पर हम डार्क एंड ब्राइट स्पॉट देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मगर वहां फर्नहोफर डिफ्रैक्शन में भी ऐसे फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट मैक्सिमा, सिर्फ वहां ये था कि वहां द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन वाज एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का हम कंस्ट्रक्शन वो लेंस इस्तेमाल करके, एज इफ वो इन्फिनिटी मीन्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, हियर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन एंड द सोर्स इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. और हाइगंस फ्रेंसेल्स वेवलेट थ्योरी एक्सप्लेन्स कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे इंटरफेयर करते हैं, एंड हाउ दे इंटरफेयर एंड अब एंड हाउ दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ दीज जोन्स और जोन प्लेट्स. जोन्स आई विल से इसी को कहते हैं फ्रेंसेल्स हाइब्रिड जोन्स. अब इसी से हम निकलती है समथिंग कॉल्ड there is something called to add to the discussion to something which is called zone plates. आप पढ़ेंगे Fresnel's zone plates. zone plates ये है कि जैसे आप ये है पहला zone है, दूसरा zone होगा जैसे ये है ये black, it will be dark. तो आपका dark spot bright spot होता है ना lab में, when you do आप शायद करेंगे ये experiment तो वहाँ
और ये लैब में जो आता है वो थोड़ा लेजर टाइप, लेजर वहीं से बना होता है, बट स्टिल यू कैन ऑब्जर्व द डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क फ्रिंज, इस तरह इन द लैब यू कैन सी दिस डार्क जोन्स. ये हो गया फर्स्ट डार्क जोन प्लेट, फिर आएगा ब्राइट जोन, फिर आएगा डार्क जोन, ऐसे. फिर आएगा ब्राइट जोन. सो इन द सेम वे दीज आर कंसेक्यूटिव, इन्हीं को कहते हैं जोन प्लेट्स भी कहते हैं. एंड द वे जिस तरह हमने वो ऑड जोन्स विल गिव दिस डार्क जोन्स एंड इवन इवन यू वन प्लस यू टू दे माइट गिव ब्राइट जोन्स, एंड इनका एरिया भी है उसमें, जोन प्लेट का एरिया भी समटाइम्स हम निकाल सकते हैं. वो तो दैट्स फ्रॉम सिंपल फार्मूला जो हमने किया था, पाई एन बी एन स्क्वायर माइनस पाई बी एन प्लस वन स्क्वायर, उनका डिफरेंस. सो एरिया ऑफ द जोन प्लेट भी हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज फ्रेंसल्स, दीज आर नोन एज जोन प्लेट्स ऑल्सो इन आवर कंस्ट्रक्शन, एंड इट्स ऑल्सो यूजफुल इन आवर कंस्ट्रक्शन. सो लेट मी समराइज, आज के क्लास में हमने कुछ नहीं किया, हमने वो ही किया, वी जस्ट डिड व्हाट, वी एक्चुअली समड द सीरीज ऑफ, पहले हमने क्या किया, फोर्न ऑफ डिफ्रैक्शन किया, फ्रेंसल्स वी आर सीइंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन फाइनाइट है, एंड देन वी कुड सी जो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड हाफ पीरियड जोन, एंड जो वो डिफरेंट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दैट इज एज इफ वी आर समिंग द सम ऑफ द ऑड एंड इवन सीरीज, हम उनको सम कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, वैल्यूज ऑफ एन इंटीजर्स. फिर हमने उसका अप्रोक्सीमेशन किया, ऑड एंड इवन सीरीज को हमने जो हायर ऑर्डर टर्म्स को वी नेग्लेक्टेड, एंड वी जस्ट गॉट दैट दैट जो फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमम, फर्स्ट जो उसका नेट कंट्रीब्यूशन, ऐसे कि ये उसका फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है. एंड यू कैन सी अकॉर्डिंगली, अगर हम वो स्क्रीन को जो सोर्स को हम बड़ा या जो अपर्चर को बड़ा या कम करेंगे, उसके हिसाब से हम ब्राइट मैक्सिमम देखेंगे, कितना बड़ा आता है या कम आता है. यू कैन सी इट एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो इन द लैब. एंड हाउ वी विजुअलाइज, इनका नाम भी है समथिंग कॉल्ड जोन प्लेट्स, इनको कहते हैं, यू कैन सी एरिया ऑफ जोन प्लेट भी क्या आता है, तो कंसेक्यूटिव जोन प्लेट्स में का एरिया क्या आता है, ब्राइट जोन प्लेट क्या है, डार्क जोन प्लेट क्या है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेस क्लास. ठीक है, सो शुड आई स्टॉप आज का क्लास. ठीक है, चलो आई विल सी नेक्स्ट क्लास में, आई विल ट्राई टू सी मेबी स्क्रीन में कैसे आएगा एडजस्ट. सो आई स्टॉप. हाँ हेलो, हाँ क्लास स्टॉप करूँ? हाँ, और ये है कि थोड़ा डरना नहीं, आप क्लास में अटेंड करो, कोई बात अगर समझ नहीं आएगी, सो मे बी वेन द क्लास विल बी रेगुलर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, या आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा इसको देखो, फ्रेंसल्स हाफ प्लेट जोन थ्योरी, इसको देखो किसी किताब पे. देर आर बुक्स लाइक जेंकिन वाइल्ड बुक है, ऑप्टिक्स की गाटक बुक है, या कोई भी बुक है, मतलब विच एवर यू फाइंड कम्फर्टेबल, जिस आप उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, एंड जस्ट कोई भी जहां आपका क्वेरी है लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है, सो आई विल स्टॉप करूं, स्टॉप ओके.